मुस्लिम भाई। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहिल भाई स्ट्रीम में लेने के लिए। जी जनाब, क्या असल में कहेंगे? जी असल में हेलो जी, बोलिए, जी आवाज जी आ रही जी आपकी। असल में हाँ मेरा नाम रिजवान है, मुंबई से हूँ। जैसा कि जी गालिब भाई ने मेरे बारे में अभी कुछ अल्फाज कहे थे, वो भी मैंने सुना है और कहा है कि बहुत मैंने अच्छा बहुत सारे किया, इल्जाम। एक सेकंड, हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं और आपको फिर बहुत बाद में अच्छा किया देखेंगे भी तुमने। अच्छे से, ठीक अरे है उखाड़ लियो बिल्कुल यार। सुनेंगे ना। अच्छा, एक मिनट एक नहीं मिनट, गालिब भाई गालिब उस भाई, लायक नहीं ये हो ना तुम, उस लास्ट लायक नहीं हो ना तुम, ट्रेन वाले हो। एक मिनट, रिजवान भाई, रिजवान भाई, एक मिनट। देखिए, लास्ट डिनर नहीं तो मैंने ये खाना बीच में होंगे। ना कूदे ना, लेकिन इस तरह की बातें हाँ बिल्कुल ना करे ना। जब मैं आपसे अच्छा, बात ठीक करना है चाह रहा हूँ, ठीक है हाँ ये है ठीक कि अगर मेरे ऊपर कोई इल्जाम है कि मैंने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है, तो मैं सारे प्रूफ अगर ये कहें तो मैं सारे प्रूफ भी डालने के लिए तैयार हूँ अपने चैनल पर, कि मैं अपनी एक एक बात को सही साबित करूँ। ठीक है, जी अगर पैसों वाली बात जो मैंने कही है अगर वो गलत है, ये कहें कि कॉल रिकॉर्डिंग डालें आप, दूसरे जो आपके पास चैट्स मौजूद हैं, तकरीबन 12 अप्रैल 2018 से लेके अभी तक मेरे पास सारे चैट्स मौजूद हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं वो भी डाल सकता था लेकिन मैंने अभी नहीं डाला हूँ। तो ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने झूठ बोला है, अगर ये चाहते हैं तो मैं सारे प्रूफ इनको देने के लिए तैयार हूँ, पहली बात। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर आप पहले एक्स मुस्लिम तो है नहीं, बहुत सारे लोग पहले भी एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। मैं नहीं जी जानता कि जो लोग डरा रहे हैं कि जान को खतरा है, जान को खतरा है, मैं अगर दो चार लोगों के अगर नाम भी पूछ लूँ तो कोई बता नहीं सकता है कि फला एक्स मुस्लिम हुआ और फला लोगों ने उसको मार दिया, ठीक है ना, इस वजह से कि वो एक्स मुस्लिम हो जाता है। तो ये खामखा डराया जा रहा है सिर्फ। ओके, यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक मिनट, कुरान फिर की कसम खा के बीच में बोल कूद दो रहे हो, डराया जा रहा कुरान है। एक कुरान कसम खा के बोलो फिर से डराया भी जा बात रहा नहीं करनी है। है, अरे कुरान मुझे कसम खा जिससे के बात बोल करनी है मुझे सही। करने दो। हाँ नहीं, बताओ क्या क्या कुरान कुरान की कसम। हाँ चलो बताओ कुरान की कसम खा लेते हैं, क्या क्या कुरान की कसम खाएं। की कसम खा के बोलो कि मुस्लिम्स कुछ नहीं कहेंगे एक्स मुस्लिम को एक्सपोज होने के बाद। क्या 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 कुरान की कसम खा के बोलो कि मुस्लिम्स कुछ नहीं बोलेंगे एक्स मुस्लिम को। और कुछ नहीं करेंगे, पूरे मुसलमानों की जिम्मेदारी ले लो कुरान की कसम खा के। कुरान देखिए जहां और तक अल्लाह की मेरे, कसम सुनिए खाओ। सुनिए सुनिए, इस हाँ चैनल पर और पहले क्योंकि आपके, अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, फौरन आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद शायद आप ये सवाल नहीं करेंगे। अगर मेरे सामने कोई किसी तरह की आपको जान से मारने वाली बात करता है, अगर मैं सामने हूँ तो मैं उसको बता सकता हूँ कि ये शरीयत के खिलाफ है। लेकिन अगर कोई शख्स पीठ पीछे आप किसी को, किसी के माँ बाप को गाली देते हैं, मैं हूं तो सामने उसको पकड़ सकता हूँ, रोक सकता हूँ, नहीं भाई ये काम ठीक नहीं है, आप चौकी में चलें, आप उसके ऊपर केस करें, ये कह सकता हूँ। लेकिन आप कहें कि पीठ पीछे भी कोई किसी के माँ बाप को गाली दे और फला उसके ऊपर अटैक करता है, तो इसमें मेरी गलती है, मैं कैसे ले सकता हूँ उसके ऊपर, नहीं तो कैसे कह ये दूँ कि रिजवान तो मतलब कसम भाई नहीं नहीं खाओगे ना, गारंटी खाएंगे, देने से क्योंकि कुछ अभी हटेगा ना। आपने दावा किया। मेरा एक मिनट गाली जितना खाएंगे, इख्तियार है, मेरा जितना इख्तियार है, मैं उसी की एक जिम्मेदारी मिनट लूंगा ना। रिजवान भाई, आप किसी के माँ बाप को गाली, और आप कहें कि आप रिजवान भाई 25 आप करोड़ मुस्लिम्स जिम्मेदारी के लें, पड़ोसी तो नहीं है। एक अच्छा सेकंड, गाली भाई, एक मिनट वही रुको यार, वही मैं कह रहा हूं कि आप रिजवान किसी भाई के माँ देखो, बाप को रिजवान गाली दें और भाई, फिर कहें रिजवान भाई आप उस, रिजवान भाई, आपका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप ब्रेक नहीं लगाते, थोड़ा रुक जाइए, नहीं तो थोड़ा रुक जाइए, मैं मौका दे रहा हूं आपको चलिए बात ठीक करने। ठीक बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी गारंटी थोड़ी देर पहले लेना चाहिए था। जब आपने ये कहा कि मुसलमानों के लिए ये ना बोलो, इस वजह से आपको कसम खाने के लिए कहा गया था, लेकिन आपको भी अच्छे से मालूम है कि आप मुसलमानों की गारंटी नहीं ले सकते, इसलिए आप कसम नहीं खा रहे। तो कम से कम सिर्फ ये मैं बोलना चाहिए था कि मैं नहीं मुसलमानों खा। की नहीं, आपको मुसलमानों की मुसलमानों के नहीं, बारे में क्यों बुरा लगा? सुनिए सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, किसी भी धर्म, मैं कहता हूँ जो धर्म को नहीं मानता है उसके बारे में भी गारंटी नहीं ली जा सकती है। देखिए, यही यही चीज जो है ना, आपकी हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं तो आपसे खाली एग्जाम्पल मांगा हूँ, मुझे कुछ एग्जाम्पल दे नहीं, दीजिए रुक कि जाओ कितने लोगों को आप, आज मारा गया हिंदुस्तान में, तो कितने लोगों को इस आप वजह से ये मार कह दिया दो गया। ना रिजवान भाई, आप ये कह दो कि मैं कुरान की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मैं, जितने इंडिया में मुसलमान है, क्योंकि आप लोगों ने मुसलमानों के बारे में ये कहा है और उसी बात को आपका, उसी बात से आपको जो है वो बुरा लगा, आप ये कह दो कि मैं कुरान की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मेरे जितने मुसलमान भाई हैं मेरा वो ना कुछ जिस चीज मुस्लिम है, पे तो इख्तियार नहीं है, फिर मैं मुसलमानों उसकी की गारंटी आप क्यों ले रहे सुनिए, हो? मैं मेरी गारंटी ले रहा हूं पहली नहीं, बात। आपने और थोड़ी देर पहले हाँ ये लिया है।
बिल्कुल आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं, ठीक है? नहीं, चलिए एक मिनट भाई, बात ये तय कर लीजिए रिजवान भाई, थोड़ा रुक रुक के बात करिए आप प्लीज। बात आप ये तय कर लीजिए कि आप खाली अपनी गारंटी ले रहे हैं या पूरे मुसलमानों की ले रहे हैं, क्या बात है? हाँ, सुनिए, सबसे पहले मेरी तरफ से तो मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं शरीयत का मानने वाला हूँ और हम जानते हैं कि शरीयत के अंदर जो सजा है वो कौन देगा, वो कानून देगा, वो हाकिम वक्त देगा, वो खलीफा देगा, और ये वो हमको नहीं दो ही जानना यार, फिर बीच नहीं किताबें नहीं आंखें मुझे सजा नहीं मुझे देती, लोगों की फिर गारंटी लेने की बात हो बीच रही में है। बोलो बिल्कुल ना बोले बीच में, मुझे बोलने दे, ठीक है ना? बोलो जल्दी बोलो, दूसरों हाँ, दूसरों की जिम्मेदारी आप ले सकते अगर हैं। अगर किसी के जज्बात को आपने ठेस पहुंचाई है, और आप खुद जानते हैं, आपके थंबनेल देख लीजिए, एक चार्ली हेब्रो ने इस तरह का काम किया, एक कार्टून बनाता है, उसके साथ ये भाई मामला, अभी पूरी अभी बोलने आपकी दीजिए सुनो, मुझे नहीं पूरी बात को। मैं एक-एक चीज का जवाब लेते जाए ना, ताकि मसला जो है वो सबको समझ में आए। क्या आपके आप थंबनेल में गुस्ताखी नहीं है? बता नहीं दीजिए, है मैं हमारे, अभी नाम पढ़ के बताता हूँ। मैं सुनो, हमारे हिसाब से बिल्कुल गुस्ताखी नहीं है। अब गुस्ताखी की जो सीमा चलिए, है, यानी मैं बता किसको रहा हूँ, आप गुस्ताखी तय करेंगे, किसको गुस्ताखी तय करेंगे? मैं जी बता रहा हूँ। अब देखिए, एक अभी जस्ट वीडियोस 11 दिन पहले जो अपलोड की गई, जिसमें लिखा है कि बिना स्पेस के अल्लाह फिजिकली कहाँ है, उसमें एक शख्स बनाया गया है जिसकी आंखें बंद है और वो कहता है कि कहाँ हूँ मैं, तो ये क्या ठीक दिखाया है। गया कि ये अल्लाह दिखाया गया है कि ये शख्स कह नहीं रहा है आंखें बंद करके कि मैं कहाँ हूँ? नहीं 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 बिल्कुल अल्लाह नहीं दिखाया गया है वो, एक मैं आप वही कह रहा हूं ना कि कौन? आप गुस्ताखी जो है, हर किसी के लिए गुस्ताखी का गुस्ताखी, पैमाना क्या है? आपके नजदीक देवबंदी उलेमा जो है वो गुस्ताख है? देवबंदी बरेली की यहाँ बात नहीं है, यहाँ पर क्यों बात नहीं है है? इस्लाम और अच्छा गैर इस्लाम की। देवबंदी बरेलवी गुस्ताखी वो करे तो वो हमारा भी आपसी गुस्ताखी का है? कैसे मसला है, वो हमारा आपस का आप मसला है, हम सीधा, डिस्कस कर मतलब लेंगे। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, यही तो आप लोगों की जो है ना डबल स्टैंडर्ड है। जब किसने, आप अच्छा बताइए, लोग किसने रुको गुस्ताखी की, यार, किसने इस तरह की एक फोटो मिनट बनाई, चलिए मुझे क्या बता एक दीजिए। मिनट क्या आपके नजदीक देवबंदी उलमा गुस्ताख है या नहीं है? किस देवबंदी उलमा ने इस तरह की अल्लाह की फोटो बनाई है, मुझे आपके बता नजदीक, दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि गुस्ताखी का लेवल जो है वो हर एक के लिए चेंज होता रहता है। जिस अभी जो चीज पर बात आपके हो लिए, रही है एक उसी की मिसाल दें आप। मिनट भाई, एक मिनट रुको, रशीद अहमद गंगोही साहब ने फतवा दिया था, उसमें फतावा रशीदिया में रशीद लिखा अहमद है कि गंगोही साहब, मौलाना आसिम कासिम नानोतवी जो नानोतवी हैं वो साहब, रहमतुल लिल जितने आलमीन भी हैं। हैं, वो जितने रशीद सब अहमद पढ़े हैं, गंगोही सब साहब पढ़ा ने हुआ है, कासिम सब नानोतवी पढ़ा साहब हुआ है, को रहमतुल लिल आलमीन कहा है, ये गुस्ताखी बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सब पढ़ा नहीं, हुआ ला है मेरे नजदीक। इलाहा इल्लल्लाह बात यहाँ अशरफ पे रसूलुल्लाह, बिल्कुल, इस पे डिबेट, इस पे मुनाजरे, इस ठीक पे है, तो किताबें, हम इस सिर्फ पे, डिबेट कर सुनो, सकते हैं, इसे मैं मैं बात पूरी बात बोलूं? बोलने दो, इस पे सारी चीजें मौजूद हैं। वहां पर बात हो रही है कि फोटो बनाने की, कि जो फोटो नहीं बनाई गई है अल्लाह की। साहिल, साहिल मुझे एक बस एक पॉइंट बोलना है। तो मतलब कुल मिला के आप अभी ये जब आप कहना मेंशन चाहते हो करेंगे, कि आपने जो थंबनेल बनाया आप उससे राजी हो कि वो सही है, यही कहना एक चाहते हो? मिनट स्मार्ट क्रिएशन भाई को बोलने दो, फिर तुम्हारी मुनाफिकत मैं बताऊंगा। रिजवान भाई थोड़ा रुक जाओ, स्मार्ट क्रिएशन भाई ठीक बोलो। ठीक हाँ साहिल, एक एक एक्चुअल अभी मुझे जस्ट इनके थंबनेल वाले से याद आया कि बिल्कुल थंबनेल में ऐसी कंटेंट होती हैं जो काबिले एतराज है, बिल्कुल एतराज के दायरे पे वो आती है। अगर वो चीज हटा दो और इन जैसे नाजेबात कलिमात जो स्ट्रीम में होती हैं अल्लाह को लेके, रसूलुल्लाह को लेके, तुम पूरी जिंदगी स्ट्रीम चलाओ, हम तुम्हारे साथ। नहीं लेकिन मुझे एक बात बताओ बिल्कुल, यार, ये बहुत मैं अच्छी जो बात, हूँ आप ना, बहुत अच्छी बात एक बोले मिनट आपने। नहीं लेकिन मुझे एक बात बताओ रिजवान भाई, कि ये गुस्ताखी है ये तय कैसे होगा? और दूसरा, ठीक, अगर गुस्ताखी कर रहा है तो उनकी जान के पीछे क्यों नहीं पड़ते आप लोग? तुम्हारे नहीं तो ठीक है, काम करते हैं हम। नजदीक तो वही सुनिए, देवबंदियत जो है, उनके उलमा जो है, ये गुस्ताख हमारे नजदीक जो गुस्ताखी है उसके खिलाफ हम है। हाँ एक्शन लेते हैं। अगर क्या आपके लेते नजदीक भी हैं, कोई चीज, देवबंदियों को घर पे जा जाके आप लोग मारते हो क्या? तो मारने की बात ही नहीं है, फालतू बात फिर आप कह रहे हो, मारने उसके फालतू बारे बात में क्या बात है? करो, मतलब लीगल एक्शन अगर लेंगे। देवबंदी गुस्ताखी करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम हमारी बात आपको गुस्ताखी लगे तो आपको प्रॉब्लम है, आप आइडेंटिटी रिवील करोगे। किसने फजल मारा? हमदर्द, मुफ्ती फजल हमदर्द ने इन सबके मुंह पे थूक दिया है डायरेक्ट। थूका तो हाँ तुम्हारे मुंह पे भी है, टेररिस्ट और ने बोला है मुफ्ती साहब ने खुद, टेररिस्ट।
अरे रिजवान भाई, तुम्हारे को और तुम्हारी जमात वालों को मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने कहा है टेररिस्ट है ये, वीडियो ठीक जाके है, देख लो। वहां वो ठीक है, पे वो तो हमारी, आपको हम वहां कर पे तो लेंगे उनसे आपको बात, गुस्ताखी नहीं लगी, वीडियो कर लेंगे उनसे बात, वो वहां तो मसला, आपको गुस्ताखी यहाँ नहीं पर आप लगी कि अपने ना। मसले पे बात करिए पहले, यहाँ वहाँ नहीं, की मैं बात आपकी करके फला ने ये मुनाफिकत लिखा, बता रहा हूं, देवबंदी मैं मौलाना ये लिखा, रिजवान भाई, मैं आपकी मुनाफिकत बता रहा यानी हूं आप इस बात पे कि मुत्तफिक हैं कि आपकी थारी थंबनेल सही है, यही कहना चाहते नहीं, हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यही कह रहा हूं ना कि ये नहीं, गुस्ताखी जो आप है वो एग्जाम्पल क्यों कैसे दे रहे हैं? तय होगी। मैं कह आप रहा हूं कि देवबंदी गुस्ताखी मौलाना कैसे की, तय मौलाना होगी, फजल हमदर्द की, यहाँ वहाँ की, आप इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्योंकि वो आपके सारे आपको थंबनेल टेररिस्ट सही कह है। रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप गुस्ताख हैं, वो मुझे कुछ भी वहाबी जो कहें है वो दूंगा, गुस्ताख है। आप ये बताएं कि आपके सारे थंबनेल पे आप मुत्तफिक हैं कि वो सही है? एक बार मुझे हाँ कह नहीं, दें सिर्फ आप। हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि हूँ, उसमें हमने कोई गुस्ताखी नहीं की है। हमने ये नहीं बताया सारे जब अल्लाह थंबनेल का कोई, अभी आपके एक सही है, मिनट रुको रुको, जब इसके अल्लाह नजर भी का आप बंद करें कोई, अपनी, यार सुनोगे नहीं सुनोगे रिजवान आवाज आ रही है, भाई, एक माजरा चाहता हूँ, मिर्जा भाई को आवाज आ आवाज, रही हाँ गालिब भाई थोड़ा म्यूट कर लो आप जब नहीं बोल। है। मैं थोड़ा सा बोल दूँ फिर म्यूट हूँ। ठीक है बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि रिजवान भाई एक बार कुरान की कसम खा लो कि अगर वो थंबनेल हटा दिए जाए तो आपको एतराज नहीं होगा। अभी तो ऊपर की बात हो रही है ना, अंदर की बातें भी हम बताएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अच्छा, मतलब देखिए, थंबनेल हटवाने के बाद भी आपको आप इस प्रॉब्लम है। बात, पहली बात, आप इस बात पर राजी हैं कि अगर कोई भी चीज हम जो बताएं वो गलत होगी, आप उससे रुजू या करेंगे, या उसको डिलीट करने के लिए तैयार हैं, या चेंज करने के लिए तैयार हैं? इस बात पर तो आपको इत्तफाक है भाई, नहीं, मुझे ये बताओ कि आप, जब हम ये सवाल किया बारों उन्होंने, अगर थंबनेल सारे हटा दिए जाए जहां पे आपको प्रॉब्लम है, मिर्जा तो गालिब बहुत कोई आवाज आ प्रॉब्लम रही नहीं है फिर आपको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। है। कंटेंट की बात होगी, अंदर अगर किसी तरह की कोई गुस्ताखी मिलती है जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल के बारे में, एडम सीकर ने क्या क्या अल्फाज कहे वो तो बिल्कुल जानते हैं। देखिए, जिम्मेदार सब होगा, एक अगर यहाँ पे चले मिनट जाके कोई कुछ भी अरे कह एक के मिनट जाए, रिजवान भाई, एक मिनट, इसी पे आप मुझे अच्छे से जवाब उसको दो। सुन मैं सुन ली आपकी बात, मैं समझ गया, मेरी बात सुनो। जो आपने कहा कि कंटेंट पे बात होगी, तो आप लोगों के नजदीक जो है, जो ऑलरेडी गुस्ताखी है देवबंदियों की किताबों में, बरेलवियों की किताबों में, आपने उनको बंद करवाने के लिए क्या क्या कोशिशें की है, जरा ये बता दें। ठीक है, जवाब लीजिए। मैं जो जो गुस्ताखियाँ आपकी बताऊंगा, वही गुस्ताखी आप देवबंदी बरेली की किसी किताब, किसी मौलाना के बयान, ला किसी इलाहा फतावा, इल्लल्लाह और ले अशरफ दीजिए पूरी बात, रसूलुल्लाह, खामोश आपके खामोश, उलमा आप को, भी दावे नहीं करें, आप भी, आप अपना कलमा पढ़वाएं, भाई एक मिनट, ऐसे बात नहीं होती। सबसे पहले ये बताओ आप कि अपना क्या कलमा पढ़वाएं, कौन गुस्ताखी मना कर रहा है? अच्छा तो फिर वो गुस्ताखी नहीं है, नहीं, आप पढ़वाएं ना अपना कलमा, कौन आपको वो पकड़ रहा है? गुस्ताखी है या नहीं है। हमारे नजदीक जो चीज, देखिए, वो गुस्ताखी है कि नहीं है उस पर हमारी बात हो चुकी है, उस पर क्या सारी हो चीज चुकी मौजूद है, है। हाँ या ना में जवाब दो ना, क्या हो यहाँ, जाता है अच्छा आप लोगों को। ठीक, अगर वो चीज मान लीजिए, चलिए बहस के तौर पर हाँ मान लीजिए किसी ने कहा, रसूलुल्लाह का इल्म जो है वो शैतान, जी हाँ, जवाब बोलिए। दे, रसूल अल्लाह का इल्म शैतान के नौज बिल्ला कम या बराबर, जो भी उन लोगों ने लिखा, ये लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, ठीक, आप कह रहे हैं कि ये गुस्ताखी है, हाँ, आप मानते हैं तो कि नहीं मानते वो बताइए, आप कह रहे हैं कि ये गुस्ताखी है कि नहीं, यही ठीक है मैं पूछ रहा हूं आपसे। आपके नजदीक? तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं ना, यार मेरे मेरे नजदीक लिए तो क्या? कोई चीज गुस्ताखी नहीं है, मैं कह रहा हूं हाँ, कि ये यही गुस्ताखी होना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो, सुनिए, आप मौलाना मानते हो अशरफ क्या नहीं मानते हो गुस्ताखी, जवाब क्यों नहीं देते आप लोग। दियो ने क्या लिखा है, बरेलियों ने क्या लिखा है, बिल्कुल गुस्ताखी है या नहीं है, इन चीजों को गुस्ताखी कहा गया है, किताबों में जवाब अब दिया रुक गया जाओ, है, लिखा गया है, ठीक अब रुक है जाओ, अब रुक ठीक है, जाओ, अब लेकिन रुक जाओ, अब रुक जाओ, रुक किसी जाओ, की, रुक जाओ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अच्छा यानी इन्होंने अभी मुझे नहीं साफ बोलने बोलने दिया जाएगा, दूंगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता हूं, मैं, मेरा प्रॉब्लम पॉइंट सबसे टू बड़ा पॉइंट ये क्या है, चल पॉइंट रहे हो? मैं कह रहा टू हूं पॉइंट कि रुक जाओ, अगर रुक आप जाओ, ये बात, आप, इसके लिए मुझे निकालना पड़ता है। स्मार्ट क्रिएशन भाई, इन्होंने अपने मुंह से अभी कहा है कि इनकी किताबों में ये गुस्ताखी है, ठीक है, सब लोगों ने सुना। अब इनकी किताबें जो है पूरी देवबंदी मदरसे में वो पढ़ाई जाती है, देवबंदियों के घरों में वो किताबें होती है, उस गुस्ताखी को खत्म करने के लिए ये क्या स्टेप उठा रहे हैं, नहीं किन किन घरों में जाके ये धावा बोल रहे नहीं हैं वो ये किताब निकालने के लिए। नहीं, ये जो पुड़िया आपने बताई है साहिल,
ये अशरफ अली थानवी ने किसी एक किताब में लिखी है जो एकदम बहुत छोटे सफ़े की किताब है, मैं नहीं, उसका नाम उससे मेरे फर्क नहीं जबान पे पड़ता नहीं आ है, रहा है, स्मार्ट वाइल क्वेश्चन आई भाई द देखो लव्स चालाकी अशरफी। नहीं, एक मिनट स्मार्ट क्वेश्चन भाई, ये चालाकी नहीं, ये जो नहीं, रिजवान मैं भाई बता रहा जैसे हूँ, मैं क्यों, लोग, मैं रुको किसी फिरके ना, से नहीं हूँ, तो मैं कहा हाँ तो रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये सवाल आपसे नहीं किया, मैंने रिजवान भाई से इसके लिए किया है क्योंकि इनकी जिंदगियां, इनके उलमा की पूरी जिंदगियां देवबंदियों को, बरेलवियों को, उनके उलमा को गुस्ताख कहने में पूरी जिंदगियां इनकी निकल जाती है, और वो गुस्ताखी पढ़वाने के लिए ये लोग 30-30, 40-40 हज़ार रुपया दे के जो है मौलाना जर्जिस जैसे लोगों को स्टेज पे बुला के उनसे बयानात करवाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे नहीं किया ये सवाल, स्मार्ट क्वेश्चन भाई, अगर आपसे सवाल करता तो आप बोलता, जब आप एक चीज से गुस्सा भाई आप मेरे से बात हो जाएगी तब आप बहुत सारी आते हैं। जब आप, अब देखिए यही मुनाफिकत जो है ना वो पसंद नहीं आती है, जब आपको प्रॉब्लम गुस्ताखी से है, जब आपको प्रॉब्लम गुस्ताखी से है तो जो ऑलरेडी तयशुदा गुस्ताखी है और मुसलमान खुद कर रहे हैं, सबसे पहला एक्शन आपको उनके खिलाफ लेना चाहिए, वहां तो आपकी दाल नहीं गलती है, वहां तो आप जाके तो जो है वो उनके खिलाफ कंप्लेंट तो नहीं कर रहे हो कि जितनी जगह पे ये किताबें छप रही है उन सबको जाके जो है वो जेलों में बंद कर दो, उनके वहां जाके तोड़फोड़ करो, वहां तो आप लोग नहीं करते हो। मतलब आपको कोई कमजोर नजर आए तो बस उसको दबाओ, ये है आपका ईमान, जो कमजोर नजर आ जाए उसको दबाओ, और फिर इधर आके हमसे बात करो, हम पागल बैठे हैं इधर कि तुम ऐसी मुनाफिकत बताओगे, तुम डबल स्टैंडर्ड बताओगे तो हम जो है आसानी से तुमको इसी तरीके से बिना जवाब दिए छोड़ देंगे। बरेलवी कहता है देवबंदी गुस्ताख है, अहले हदीस गुस्ताख है, वहां भी गुस्ताख है, तो क्यों नहीं वो गुस्ताखी पे जाकर कंप्लेन करते हो, जाके जो है उनके घरों को जलाते हो आप लोग, हम नहीं चाहते आप करो ऐसा, मैं कह रहा हूं कि जब गुस्ताखी गुस्ताखी है तो ये हम जैसे कमजोर लोग पे ही तुम क्यों चढ़ने के लिए बैठते हो। जी गालिब भाई आप अपनी बात रखिए। ऐसे ही वो पाकिस्तान की न्यूज आई थी कि वो बंदे ने कद्दू खाने से मना कर दिया तो उसी पे ही बाप का सर उड़ा दिया कि ये कद्दू की शान में गुस्ताखी होगी, हमारे हुजूर कद्दू खाया करते थे। भाई अब इनकी गुस्ताखियों को लेके कहाँ कहाँ तक जाएंगे हम लोग। अच्छा एक चीज और, अभी रिजवान भाई पता अभी थंबनेल के बाद बोलते हैं कि एडम बकवास करता है, कि जब आप ये बोलते कि ठीक है एडम एडम के मुंह में हम लोग शक्कर रख के फिर बात कराएंगे, क्यों मीठी बातें करें, तब ठीक है फिर चलेगा। उन, हाँ फिर उनका, नहीं, उनका दायरा और बढ़ता, मतलब हम लोग उन्हें पारों के आशिक नजर आ रहे हैं। पारों ने बोला ये छोड़ दो, पारों ने बोला वो छोड़ दो, पारों ने बोला स्ट्रीम करना ही छोड़ दो, अच्छा एक बार इनमें, लो अच्छा स्मार्ट दोबारा। क्वेश्चन भाई, इस गालिब भाई और स्मार्ट क्वेश्चन भाई, रिजवान भाई ने ये कहा सबसे पहले कि तुम मुसलमानों पे जो है इस तरीके की उनकी बात की कि मुसलमानों पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो ऐसी हरकत करेंगे, जब गालिब भाई ने कहा ठीक है कसम खा के जो है गारंटी ले लो तो वहां भी वो नहीं राजी हुए, भाई खा लेते ना, नहीं तो बुरा क्यों लग रहा है फिर। स्मार्ट क्वेश्चन भाई जी तो ये मुनाफिकत क्यों अपने रवैये में, इसी बात की तो नहीं, हमको चिढ़ है यार। नहीं, हमारे यहाँ तो ये जो किताब है जो आपने बताई जिसमें लिखा है ला ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह और हाँ ऐसी किताबों को हमारे सामने है तो हम उसे जला देंगे, हम तो उसका बैठ के उसकी तारीफ के कलमे नहीं करेंगे। लेकिन कोई मेरा एतराज ये है कि कम से कम तुम तो ना करो ये काम, कि हमारे सामने जिस किताब की तुम बात कर रहे हो वो बहुत छोटी किताब है, एक नहीं सफ़े नहीं नहीं की, नहीं 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 जनाब, छोटी मोटी किताब नहीं है, ये जो किताबें छोटी हैं ना किताब है, वो मैं बता रहा हूँ आपकी, ना उसको। सुन लो, बहुत सारी मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की बहुत सारी किताब है, इनको फजाइल आमाल पे इनको एतराज है, इनको बरेलवियों की अलग अलग किताबों पे एतराज है, मोटी मोटी किताबों पे एतराज है, बहस्ती जेवर पे इनको एतराज है, ऐसी कई सारी किताबें जिन पे एतराज है जो ये गुस्ताखी के जुमरे में लेके आते हैं, कुफर के जुमरे में लेके बिल्कुल आते हैं, शिर्क के जुमरे में लेके आते हैं, कुफर, कुफर लेकिन वहां पे इनकी दाल शिरकिया नहीं किताब है। गलती है एक दूसरे के खिलाफ, जाके प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बंद नहीं करवा दो कि वहां से निकले ही नहीं किताबें, ये जितने भी नहीं इनको ऐसी तो दबाना पूरी है दुनिया कमजोर की, को सुनो दबाओ। इसकी वजह पता है भाई आपको,
हेलो। हाँ हाँ बोलो गालिब भाई। हाँ हाँ, इसकी वजह यह है क्योंकि इन्हें अच्छी तरह पता है कि जिन पागलों की भीड़ हमारे पास है, सेम वही पागल उधर भी पड़े हैं। बिल्कुल। और यानी मैं नहीं चाह रहा था कि ये आखिरी स्ट्रीम में जो है इस तरीके का डिस्कशन हो, लेकिन जब कोई आके मुनाफिकत करे ना, तो उनकी 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 हकीकत सामने रखना है बहुत जरूरी हो जाता है। जी गाली भाई, आप बोल रहे थे। ताहिर भाई को कुछ कहना था शायद। हाँ हाँ साहिल ताहिर भाई, भाई बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो रिजवान भाई थे वो बातों को टालने की कोशिश कर रहे थे। इनके जो बरेलवियों के जो सबसे बड़े आलिम दीन माने जाते हैं अहमद रज़ा खान साहब, उन्होंने बादाबता फतवा जारी किया हुआ है 5 लोगों के ऊपर कुफर का, और जो उनको काफिर ना माने उनको भी काफिर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। और ये सारी चीजें मेरे एग्जैक्टली पास भी मौजूद हैं, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, हुसामुल उसके सारे हरमैन, इबारात। जी जी और हुसामुल उसमें ये हरमैन के। जी 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 और उसमें ये 5 लोग जो है, उसमें कादियानी यानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 जो है वो देवबंद के बड़े उलमा हैं, यानी उनके जो है बड़े उलमाओं में से माने जाते हैं, अशरफ अली थानवी, खलील अहमद अम्बेदवी, रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानोतवी। और साथ ही साथ तकवीतुल ईमान जो लिखा था हुसैन शहीद ने, उस तकवीतुल ईमान में कम से कम 40 से ज्यादा ऐसी इबारत निकाली है अहमद रजा खान साहब ने जिसको उन्होंने कुफिया बताया है, और बिल्कुल उस पे फतवा है कि ये सारी बातें बिल्कुल कुफरी है, क्योंकि वो किताबु तौहीद का वो तर्जुमा है तफरीतुल ईमान, वो जो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने लिखा था। तो इस पे तो बहुत पुरानी बहस है इनके बीच में, और ये तो बिल्कुल एक दूसरे को काफिर मानते हैं। लेकिन बात जब यहाँ पर आ जाएगी कि हम थोड़ी सी बातें अगर कर रहे हैं, कोई बात ऐसी होती है जो थोड़ा एतराज इनको लगता है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो उस पे जो है ये आ जाते हैं कहने के लिए कि भाई ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी है। गुस्ताखी तो पूरे, अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे तो आशारी या मातुरिदी के बीच में जो लड़ाई हुई है वो भी गुस्ताखी है, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। खवारिज की जो हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे तो वो भी गुस्ताख हैं, कि वो उनको बोल रहे हैं कि वो रसूल के गुस्ताख हैं, वो क्या बोलते हैं हदीसों के कुरान गुस्ताख हैं। क्रिएशन है क्या नहीं है, कुरान क्रिएशन है क्या जी नहीं है, ये भी एक अलग मसला है। जी 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 तो पूरी पूरा इतिहास उठा के देखें आप, अब्बासियों से लेकर के उसके बाद फातिमियों का जमाना जो आया है, और उसके बाद जो ये उस्मानिया का जमाना है, हर जमाने में जो है गुस्ताखी को लेकर के बहुत खूना जंगी हुआ है, और यही चीज ये आज भी कर रहे हैं। इसी वजह से वो सारे मुसलमानों के ऊपर जो है कसम नहीं खा रहे हैं कुरान का, उनको पता है कि मुसलमान जो है बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, समझने को बात तैयार नहीं होते हैं। तो तो साइड क्यों ये ले रहे हैं कम मसला से है कम ताहिर भाई, साइड क्यों ले रहे हैं, क्यों बुरा लगा आपको? अपनी जी, खुद वही की तो बात है। गारंटी लेते ना कि मैं नहीं करूंगा कुछ हरकत। जी, अच्छा बिल्कुल अच्छा इसमें इसमें एक चीज और साहिल भाई, मैं अगर अपने पुराने वक्त में जाऊं तो उस वक्त में अगर ऐसी बात पेश आती कि एक एक्स मुस्लिम है और एक हमारे दूसरे फिरके का आलिम है, या हमारे फिरके का आलिम मान लो हो, और एक्स मुस्लिम की लोकेशन वगैरह ट्रेस हो गई है, वो मेरे आसपास ही रहता है, दूसरा आलिम है जो हमारे फिरके वालों को या हमारे आलिमों को गालियां दे रहा, वो भी हमारे आसपास है, तो यकीन मानिए मैं दोनों को ही पूछता, क्योंकि मेरी नजर में तो दोनों ही दुश्मन हुए, एक से एक क्या नाम है, इस्लाम का दुश्मन हुआ और एक हमारे आलिमों का दुश्मन हुआ। अब ये लोग समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ये इस्लाम के बाद ये लोग मुफ्तियों के ही गुलाम बन गए हैं, वरना मुफ्ती फजल हमदर्द इतना कुछ बोलने के बाद कुछ नहीं हो रहा, क्या मसला, ये गुलामी ही तो है ये। फजल हमदर्द साहब जो है, इनको रिजवान भाई जैसे लोगों को, इनकी पूरे फिरके को, इनके पूरे मसलक को कह रहे हैं कि ये साले सब गुस्ताख है, ये टेररिस्ट है। वहां पे अच्छा जो है साहिल, वो फजल बिन पार्ट हमदर्द के ये खुद लोग क्या बैठ है? के जो है डिस्कशन कर रहे हैं, किसको दबाने के लिए, एक कमजोर को दबाने के लिए। जी कोई कुछ कह रहा था। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम अगर साफ सुथरी स्ट्रीम चलाओ तो क्या एतराज है तुमको? नहीं मुझे नहीं भाई, प्रॉब्लम इन जैसे लोगों को है ना। अब देखे नहीं, पहले बोले कि थंबनेल में प्रॉब्लम है, चलो थंबनेल हटा देता हूँ, अभी से आगे से ऐसा नहीं लगाएंगे थंबनेल, चलो मान लेते। हालांकि हम गुस्ताखी उसको नहीं समझ रहे, आप कोई भी बात को आप गुस्ताखी समझ लोगे तो गुस्ताखी की डेफिनेशन क्या है पहले मालूम तो पड़े कुरान और हदीस से कि ये गुस्ताखी है।
और हम जब थंबनेल बनाते हैं तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं कि ये मोहम्मद साहब है, ये अल्लाह है या कोई है। हम ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह है, ये मोहम्मद साहब है। यार एक वो सिर्फ एक यानी एक थंबनेल जो रहता है वैसे थंबनेल है, किसी ने नहीं कहा कि ये अल्लाह है, किसी ने नहीं कहा कि ये हजरत मोहम्मद साहब है, बल्कि आपको स्मार्ट क्रिएशन भाई बरेलवियों के कुतुब में बाकायदा आपको, जहां तक मुझे याद है जब मैं ये सब मुनाजरे देखता था, कुतुब में बाकायदा तो ये ड्राइंग्स पेंटिंग्स बनी हुई है सहाबा की या हजरत अली की, इस तरीके से। ये बात पता है आपको स्मार्ट क्रिएशन भाई कि मैं गलत कह रहा हूं? मैं 38 साल बरेलवी रहा हूं, तो मुझे प्लीज ये सब चीज मत बताओ तो अच्छा है। है क्या नहीं है इमेजेस, मैं बरेलवी है क्या नहीं है किताबों में, बरेलवियों की किताबों में? नहीं, मैंने इमेजेस नहीं देखी है, बाकी गुस्ताखियां बहुत सारी देखी हैं। हाँ है ना। और अरे तो मैंने मैं मैंने तो 38 मुनाजरे में बाकायदा वो जो एलेदी सालिम है वो किताबें बता रहा है कि देखो ये तुम्हारी किताब में जो है वो ये बनाए गए हैं, पेंटिंग्स बनाए गए हैं। वहां पे कोई एतराज नहीं। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि ये हजरत अच्छा अली है या मोहम्मद साहब है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। वो एक सिर्फ एक थंबनेल है यार, आप जो है नहीं, किसी को भी गुस्ताखी अच्छा समझ अच्छा लोगे तो अच्छा क्या देखो मुझे? साहिल, अगर 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 ऐसा थंबनेल मैं बनाऊं कि तुमने बाथरूम बनाया है जहां पे एक आदमी खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, हाँ ठीक, और उसके बगल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने नाम लिख रखा है, क्या हाँ ठीक तुम्हारा है। दिल गवारा करता है इस चीज को करने के बाद? कोई मुसलमान बोलेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा काम तुमने किया है? भाई ये तुम जब प्रॉब्लम सबसे मुसलमान बड़ी, थे इस चीज को नहीं तुम नहीं फिर सही सुनो, मैं वही कह रहा हूं, प्रॉब्लम यही है कि आप कोई भी चीज को जो है वो लिटरल सेंस में ले लेते हो, आप किसी भी चीज को जो है गुस्ताखी समझ लेते हो। आप लोग थोड़ा अपना दायरा जो है सोच का दायरा ये वसी क्यों नहीं कर सकते हो? चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मैं सारे थंबनेल जो है वो अब से जो है वो प्लेन थंबनेल रखता हूं, तो क्या बाकी जितने लोग हैं सबको पसंद आएगा, चाहेंगे कि वो मैं एतराज करूं? है हिम्मत इतनी? बिल्कुल। ऐतराज पे हमने कभी आवाज नहीं आप हो उठाई ना कि ये यार, ना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की बातों को सही समझता ही नहीं है ना। मुत्तफिक कहाँ है आप लोग? अगर मुत्तफिक होते तो इतने सारे फिरके क्यों आते? आपके आपके लिए जो इस्लाम है वो उनके लिए नहीं इस्लाम है, आपका जो अकीदा सही है वो उनके लिए अकीदा सही नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि कौन कौन से मुसलमान को हम, कौन कौन से टाइप वाले मुसलमान को हम समझाते बैठेंगे, किस किस से हम लोग अप्रूवल लेंगे, कोई कुछ भी समझ लेता नहीं, है। को किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन टर्म है। और इतने साल अगर तुम मुसलमान थे तो तुमको ये तो पता होगा कि तुम नीट एंड क्लीन थंबनेल लगाओ, टॉपिक अपना बताओ, ठीक है, और उसके बाद एक एक को दावत दो, कौन आता है तुमसे बहस करने या तुम्हारा जवाब देने। बाकी एहतराम अल्लाह उसके रसूल का, यहाँ हंसी मजाक ठिठोली उड़ाने का जरूरत नहीं है। जो बंदा जवाब ना दे सके उसे स्क्रीन से हटा दो, बात खत्म। क्यों हंसी ये मजाक? तो अगर देखने वाले जो डिसाइड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट नहीं, स्मार्ट क्वेश्चन जो भाई, अल्लाह उसके एक रसूल को मिनट, लेके नहीं हो सकती ना, नहीं, जो अल्लाह और ये उसके सब चीज रसूल पे को नहीं नहीं हो ले, सकती। भाई भाई सुनो मेरी बात, जो अल्लाह और उसके रसूल को लेके नहीं हो रही है, कोई इंसान आपके सामने ये कहे कि मैं जो है ना वो पाखाना और पेशाब पीऊंगा तो ये क्या आपको हंसी नहीं आएगी नहीं, यार? आप इतने हंसिए, इतने सेंसिटिव पाखाना और क्यों बन गए हो पेशाब, आप लोग? मैं ये बोल रहा साहिल हूं कि अगर कोई भाई कहेगा, कोई हाँ कहेगा कि मैं बोलो, पखाना और पेशाब पीऊंगा, आप हंसिए, कोई उसमें कोई पखाना पेशाब पीने में कोई अगर हंस रहा है तो वो नहीं, लेकिन उस पाक हस्ती को लेके और उस जात को लेके जिसने कायनात बनाई उस पे आप अगर हंसेंगे तो ये तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, कोई मोमिन ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा, अगर वो भाई मोमिन है तो। स्मार्ट क्रिएशन भाई, ईमानदारी से बताना, आप सच में मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हो? कहाँ से नहीं, बिलोंग करता हूँ फिर तुम ही बता दो। इतना तुम्हें, इतना तो आपको पता होना चाहिए था कि हमारे यहाँ सवाल पूछना ही गुस्ताखी हो जाती है, इतना तो पता होना चाहिए यार आपको। चलो हम शायद हमें दूसरे को भी मौका देना है ताकि अपनी बात जो है वो आगे रख सके। मेरा बिल्कुल मकसद आज भी नहीं था कि मैं इन सब बातों पे जो है वो करूं, लेकिन कोई आके जो है ना मुनाफिकत ना दिखाए, रिजवान भाई जैसे मुनाफिकत ना दिखाए।
इस्लाम इज द राइट। यार कोई मुस्लिम कॉलर है, आज लास्ट मौका है आप लोगों को मुझसे बात कर